हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं M3M Mansions का 3BHK की कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और जो भी आपके माइंड में सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो एड्रेस करने की मैं कोशिश करूंगा इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो जैसा आपको पता है, M3M Mansion जो सेक्टर 113 के अंदर बड़ी ही प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है, वो ऑलमोस्ट दिल्ली से 0 किलोमीटर है, हार्डली हाफ ए किलोमीटर आ जाता है। प्राइम लोकेशन पे 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसकी ब्रॉड मोर और लेस डिटेल्स, प्लस इसके अलावा क्या शेयर करूंगा मैं आपके साथ, इसका फ्लोर प्लान शेयर करूंगा, इसकी कॉस्टिंग शेयर करूंगा। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, अब की बार 400 स्टार, उस ऑफर की डिटेल्स बताऊंगा। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट लिटिल बिट प्रोजेक्ट ऑल्सो, और फिफ्थ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डाउट आते हैं, वो भी एड्रेस करूंगा मैं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो किस टाइप के डाउट आते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि यार ये जो प्रोजेक्ट है इसका प्राइस ये है तो क्यों है, ROI आएगा या नहीं आएगा इस प्राइस पे, ऑलराइट। स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा आपको। तो लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर आपने देखा हो तो इस टाइप के एंट्रेंस रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का, और इस टाइप का लुक एंड फील रहने वाला है। सेंट्रल वाटर फाउंटेन्स रहेंगे जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी हियर। इसके अलावा ग्रैंड लॉबी रहेगी, एंट्रेंस रहेगा, ओके। और गोल्फ बेस्ड प्रोजेक्ट, इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट गोल्फ बेस्ड करे हैं, एक डिलीवर्ड, एक अंडर कंस्ट्रक्शन M3M ने, एक सेक्टर 65 में और दूसरा 79 में। सो दैट्स हाउ एयर कंडीशन एलिवेटर्स लॉबीज रहने वाली है, और हर टावर के अंदर 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स रहेंगी, एयर कंडीशन लिफ्ट लॉबीज रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो साइज है वैसे ओवरऑल 2100 से 7000 उसके फिट तक है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 3.5 BHK वाली इन्वेंट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ आपको, ओके। सो जो स्पेसिफिकेशन ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो लगभग इंपॉर्टेंट मार्बल रहेगी ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरियाज के अंदर। इसके अलावा लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग रहेगी आपकी, VRV एयर कंडीशनिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स रहेंगे, डिजिटल लॉक्स रहेगा, कंप्लीट होम ऑटोमेशन रहेगा, ब्रांडेड यूरोपियन स्टाइल मॉड्यूलर किचन है विद होप चिमनी एंड प्रोविजन फॉर RO, ओके। और काफी सेलेक्टेड अपार्टमेंट के अंदर रैप अराउंड बालकनीज हैं, बहुत ह्यूज डेक है, ओके। ह्यूज डेक से आप यू कैन सी द गोल्फ व्यू, यहाँ पे 9+9 18 होल का गोल्फ है, चिप एंड पुट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है यहाँ पे, कंप्लीट होम ऑटोमेशन है जैसा मैंने आपको बताया, और ये आप पे साइड लेआउट है। सो यहाँ पे टावर ABCDEFGHIJ है, और ये सेंटर में जो है आपका यहाँ पे इसका लगभग 90,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है, और यहाँ पे आपको ग्राउंड पे बहुत कम मूवमेंट मिलेगी, मोस्टली जो पार्किंग है वो अंडरग्राउंड ही आपको यहाँ पे मिलेंगी, कुछ विजिटर्स पार्किंग आपको शायद ग्राउंड पे मिल सकती है, ओके। और क्लब की मैं बात करूँ तो वन ऑफ द मेन USP इस प्रोजेक्ट की वो है क्लब, 90,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब है, बट अगर इसके अलावा अगर टोटल क्लब की मैं बात करूँ तो 1,00,000 स्क्वायर फीट से क्रॉस हो जाएगा अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ, और प्लस कैपिटल की बात करूँ दोनों का कंबाइंड। क्लब इंपीरियल रहने वाला है यहाँ पे मल्टी फ्लोर पे, ओके। और ग्रैंड आउटडोर स्विमिंग पूल रहेगा टॉप पे, किड्स स्विमिंग पूल सेपरेट रहेगा, टेम्परेचर रेगुलेटेड टेरेस पूल रहेगा, ओके। आउटडोर पूल रहेगा सेपरेट किड्स के लिए, टॉडलर्स के लिए सेपरेट पूल रहेगा, अडल्ट के लिए अलग रहेगा, ओके। और टेम्परेचर कंट्रोल टेरेस पूल रहेगा इसके अंदर, प्लस यहाँ पे बैंकेट हॉल्स भी मिल रहे हैं, सो दैट कोई भी गैदरिंग हो आपकी 100, 200, 300 लोगों की, सो उसको इजिली कैटर कर सके, ओके। और इसके अलावा डाइन इन रेस्टोरेंट रहेगा, टेरेस कैफे रहेगा, ओके। और स्पोर्ट्स के लिए मल्टीपल फैसिलिटीज एमिनिटीज यहाँ पे दी जा रही हैं आपका, लाइक गोल्फ पुट एंड चिप एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, स्क्वैश कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट हो गया, क्रिकेट पिच हो गई, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, क्लाइंबिंग वॉल होगी, स्केटिंग रिंक हो गया, इसके अलावा बॉलिंग एले हो गया, इसके अलावा प्ले स्टेशन रूम्स हो गए, सिगार लॉन्च हो गई, पार्टी रूम्स हो गए, मिनी थिएटर्स हो गया, इसके अलावा स्पा एंड सैलून हो गया, क्रैच हो गया, बिजनेस सेंटर हो गया, तो इस टाइप की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, प्लस एम्प्टी थिएटर हो गया, जबरदस्त 3 टायर यहाँ पे सिक्योरिटी रहने वाली है। लेट मी शो यू द फ्लोर प्लान। तो ये आपका जो फ्लोर प्लान है 3.5 BHK का, 2342 स्क्वायर फीट का, तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस रहने वाली है, और ये आपका L टाइप ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया रहने वाला है। तो आपका यू कैन सी हेयर ड्रॉइंग एरिया है आपका लगभग 11.5x15 फुट का, और डाइनिंग एरिया है 13.5x10 फुट का, और यहाँ से एंट्री होगी, और आपका जो सर्वेंट रूम है उसकी एक्सेस सेपरेट रहेगी फ्रॉम हेयर। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम है 11x13 का, ये सेकेंड बेडरूम है 11x13 का, ये आपका
मास्टर बेडरूम है लगभग 12x17 का और ये सेपरेट ड्रेस एरिया 7x5 का एंड दिस इज द वॉशरूम ओके। और ये आपका 5.5x6 का सर्वेंट रूम है प्लस आपके यहाँ पे टोटल 3 बैल्कनीज आपको मिलेंगी। एक ये बैल्कनी है 6 फीट की विड्थ है इसकी 6 फीट ओके और आपका जो डेप्थ है इसकी लगभग 15-16 फुट के आसपास है। ये आपकी सेकेंड बैल्कनी है अगेन 6 फीट विड्थ है इसकी और आपकी लगभग 20x20 फीट के आसपास इसकी लेंथ रहने वाली है और ये थर्ड एक यूटिलिटी बैल्कनी है। तो सबसे 2-3-4 2 स्क्वायर फीट है ये इसकी इन्वेंट्रीज अभी आपको मिल जाएगी। ये 2310 स्क्वायर फीट है लगभग सिमिलर लेआउट है आपकी इसकी बैल्कनी आपको रैप अराउंड मिलेगी ओके। तो एल टाइप की बैल्कनीज मिलेगी थोड़ी सी विड्थ इसकी इंक्रीज हो जाती है प्लस ये जो है सिलेक्टेड अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड लेआउट है वो 2080 स्क्वायर फीट का जो सबसे छोटा साइज भी है इसके अंदर और तीनों साइज के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपको सर्वेंट क्वार्टर हर एक के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है बहुत हार्डली कुछ इन्वेंट्री शायद मिल जाए। तो ये 2080 स्क्वायर फीट की है ओके। सो लेट मी यू नो टॉक अबाउट द कॉस्टिंग की एट प्रेजेंट यू नो कॉस्टिंग आ रही है और उसके अलावा यू नो कॉस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ और यू नो प्लस क्या स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा यू नो आइडिया दे देता हूँ। तो अभी आपने देखा होगा यू नो अब की बार बड़ा ही यू नो क्रेज चल रहा है अब की बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। तो अभी यहाँ पे उसी यू नो कैंपेन को यूटिलाइज करने के लिए अभी M3M लेके आए यहाँ पे अब की बार 400 स्टार ऑफर। तो एग्जैक्टली क्या है इस अब की बार 400 स्टार ऑफर के अंदर यहाँ पे आप 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट का यू नो पैसा दे के अपना यूनिट ब्लॉक कर सकते हो बुक कर सकते हो प्लस आपको 20% पेमेंट देनी है हर 400 दिन के बाद और हर 400 दिन के बाद जब भी आप पेमेंट करेंगे तो 400 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपको यू नो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। प्लस अगर आपको इसको यूनिट को कल को सेल करना है अगर एज एन यू नो इन्वेस्टर आप एंटर कर रहे हो तो भी आपको 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का यू नो डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है ओके। और अगर लेट मी टेल यू अबाउट द कॉस्टिंग शीट तो यहाँ पे इसके बाद इफेक्टिव प्राइस यू नो क्या जाता है। सो ये जो यू नो प्राइस पहले 2080 स्क्वायर फीट की यूनिट का लगभग 22,900 रुपए आ रहा था इंक्लूडिंग आपका EDC IDC PLC EIC तो 22,900 रुपए पर स्क्वायर फीट की यूनिट आ रही थी जो कि आपका नॉन गोल्ड फेसिंग है। और इस ऑफर के बाद जो मैंने आपको भी ऑफर बताया तो जो यूनिट है वो 20,900 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आ जाती है प्लस इसके अलावा कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स भी होते हैं। तो वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो कॉल कर सकते हो इन दियो नंबर पे 8858484084 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो #M3M mentions 113 और आप उसको भेज सकते हो। तो ये था आपका यू नो एक जनरल यू नो 3 BHK की कॉस्टिंग। फिर जो दूसरा साइज आ जाता है 2342 स्क्वायर फीट उसकी जो कॉस्टिंग अगेन पर स्क्वायर फीट रेट में जो अपार्टमेंट पहले 5,36,00,000 रुपए का आसपास प्लस GST आपको मिलता था वो आज की डेट में 4.89 लाख रुपीज प्लस GST आपको मिलता है। तो लगभग आपका 50,00,000 रुपए के आसपास का यू नो डिफरेंस आ जाता है एक 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2342 स्क्वायर फीट के साइज। तो ये आपके दो साइजेस थे जिसके अंदर मैंने आपको आपकी यू नो कॉस्टिंग बता दी कि ब्रॉडली यू नो क्या कॉस्टिंग रहने वाली है। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस। और इसके बावजूद भी यू नो आपके माइंड में कॉस्टिंग को लेके अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट है कि यू नो इस प्राइस पे एंटर करने के क्या मैं ROI जनरेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा ओके तो यू कैन यू नो ऑलवेज कनेक्ट विद अस। इसके अलावा आपके माइंड में यू नो क्वेश्चन हो सकता है कि क्या प्राइस जस्टिफाइड है और इसमें यू नो मोस्टली मैंने फैसिलिटीज एमिनिटीज आपको दिखा दिया क्या क्या मिलने वाले तो बहुत जस्टिफाइड प्राइस है आज की डेट में यू नो जो भी लॉन्चेज आ रहे हैं मार्केट के अंदर 20,000+ ही आ रहे हैं ओके। और इससे यू नो बहुत नॉट सो फार गुड लोकेशन पे आ रहे हैं वो भी उनका भी प्राइस लगभग 19,000-20,000-21,000 पे आ रहा है बट अगर आप यहाँ पे इस लोकेशन पे बैठते हैं तो डेफिनेटली यू कैन यू नो एक्सपेक्ट ए गुड प्रीमियम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स और इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स क्योंकि जो 1 साल पहले रेट था 2 साल पहले रेट था वो आज रेट नहीं है। जो आज रेट है वो आपका अगले 6 महीने 1 साल के बाद वो रेट नहीं रहने वाला ठीक है। तो जो मार्केट है वो मोमेंटम बिल्ड करा हुआ है उसने और वो आगे आने वाले टाइम के अंदर ऊपर जाएगी। रीजन क्या है कि आपका 2 मेन रीजन है कि एक तो आपका जो लैंड के प्राइसेस है वो बड़े हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेकंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यू नो इंक्रीज हुई है थर्ड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो गया है आपका यहाँ पे लाइक एक्सप्रेसवे ओपन हो चुका है अभी आज की डेट में ओके। सो ये बहुत सारे यू नो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर यू नो रेट्स इंक्रीज होंगे अप्रिशिएट होंगे। तो भले ही आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट टाइम द हिस्ट्री टू एंटर एट दिस प्राइस पॉइंट एट दिस लोकेशन विद दिस काइंड ऑफ एमिनिटीज एंड स्पेसिफिकेशंस एंड फैसिलिटीज और
ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है बिल्डर का, तो इन्होंने पहले डिलीवरीज दी हुई हैं। टोटल 50 के आसपास प्रोजेक्ट है मार्केट में और लगभग 35-40 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, तो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे आसपास के एरियाज के अंदर जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक एंथम कैपिटल हो गया, तो उसका 28वें-30वें फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है। क्राउन था, उसका भी 6-7 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है बहुत सारे टावर्स की। तो आने वाले एक साल के अंदर इसकी भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी और बहुत MI1 कंस्ट्रक्शन है, तो बड़ा फास्ट कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे। आई होप यू गेट द क्लैरिटी। और आपके माइंड में भी यू नो कोई क्वेश्चंस होंगे यार कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट ले रही हूँ, ये क्यों लूँ, मैं कोई और प्रोजेक्ट क्यों ना लूँ, कोई नए लॉन्च आ रहे हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन हो कि यार शोभा का 106वें प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या मैं वो क्यों ना ले लूँ, डाउन टाउन आ रहा है, तो वहाँ पे भी 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का आ सकता है, वो भी आप ले सकते हो। फिर सेकंड हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि यार साथ में ही बिल्कुल सेम लोकेशन पे 1DXP का प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे 2080 का पेमेंट प्लान भी आ रहा है, तो डेफिनेटली वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि कृषुमी का नया लॉन्च आ रहा है 36A में, वो ले सकते हो। हीरो होम्स का सेक्टर 104 में प्रोजेक्ट आ रहा है, वो ले सकते हो। गोदरेज का सेक्टर 103 में भी आ रहा है, वाइटलैंड का 103 में आ रहा है, मैक्स भी आ रहा है 36A के अंदर, सिग्नेचर ग्लोबल भी 71 में आ रहा है, सिल्वर ग्लेड भी आ रहा है बाय द वे सेक्टर 63 में। हो सकता है आपके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस हो कि मैं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्यों लूं, वो क्यों ना लूं। तो अगर आपके माइंड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जब डिसीजन लेते हो तो आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि प्रॉपर्टी लूं ना लूं, कौन सी लूं, कहां लूं, कब लूं, क्यों लूं, लोन लूं ना या लोन ना लूं, कौन से पेमेंट प्लान में जाऊं, कौन से पेमेंट प्लान में ना जाऊं, स्पेसिफिकेशंस क्या है, एमिनिटीज क्या है, एप्रिसिएशन आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा, रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी ठीक रहेगी नहीं रहेगी, रेजिडेंशियल लूं या कमर्शियल लूं, फ्रेश बुकिंग में लूं या रीसेल में लूं, अंडर कंस्ट्रक्शन लूं या रेडी टू मूव इन लूं, तो ऐसे बहुत सारे आपके माइंड में सवाल हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको भी कोई गाइड करने वाले हो, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक रियल एस्टेट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके ही डिसीजन लें। तो यहाँ पे भी अगर आप किसी टॉम डिक एंड हैरी के साथ यू नो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इट्स योर विश, आपका हार्ड एंड मनी। अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो यू नो दैट कैन गिव यू नो मच बेटर लेवरेज, नॉलेज, कंसल्टेंसी आउट ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस। तो बेटर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से कंसल्ट करेंगे तो बेटर फॉर योर ओवरऑल वेल्थ पोर्टफोलियो। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप यू गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी इनटू दिस वीडियो अबाउट 3.5 BHK इन एंथम मेंशंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इंडिया नंबर पे 8858484084 पे। और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी एंथम मेंशंस के अंदर या किसी और प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके, प्लस मुझको मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। जाते जाते गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। ओके, और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं करा तो फ्यूचर में आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मिस आउट हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।